आप तो कह रहे थे कि आज लेट आऊंगा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुमने खबर ही ऐसी सुना, और वैसे भी डॉक्टर साबिर से मिलना बहुत जरूरी था, बहुत अच्छे गायन है, मेरी एक फैन के हस्बैंड है वो। जद्दल हुसैनी मरहबा या नूर लैनी मरहबा। ये तुमने क्या लगा? देख नहीं रही थी कितना अच्छा माहौल बन रहा था? अच्छी चीज ही तो लगाई है। रामिया, तुम्हें तो मैं नहीं सुधार सकता, लेकिन अपने बच्चे की तरबियत मैं ही करूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं उसे ऐसा बनाऊंगी जैसे कि एक मुसलमान को होना चाहिए। मैं उसे नमाज पढ़ने से नहीं रोकूंगा। लेकिन तुम उसे नबी के बारे में भी तो कुछ नहीं बताओगे, ना तो तुम उसे सुनने नहीं दोगे, और नबी का जिक्र आएगा तो तुम उसके कानों में उंगलियां दे दोगे। इश्क नबी ही तो रूह नमाज है, और बगैर इश्क नमाज बेमाने हो जाए। और अगर ये इश्क ना हो तो तुम्हारी तरह नमाज उर्दू में पढ़ने या पंजाबी में क्या फर्क पड़ता है? जब भी तुम मेरी फैंस को देखती हो कोई ना कोई बहस लेकर बैठ जाती हो, मुझे तो तुम साइको लगती हो, पागल, बिल्कुल पागल। डॉक्टर साबिर से तुम्हारा ये वाला चेकअप हो जाए, फिर मैं किसी नफ्सियाती डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवाता हूँ। मुझे तो लगता है शायद तुम्हारी माँ की बीमारी का असर तुम पर भी है। माँ को पागल कहा? अगर वो पागल नहीं थी तो तुम्हारे भाइयों ने उसे पागल खाने में क्यों? मैं अपनी माँ को पागल खाने। फिर भी इस औरत ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात उसी पागल खाने में गुजारे, और अब तुम भी पागलों वाली हरकतें कर रहे हो। मैंने ऐसा क्या किया है? मैं पागल नहीं हूं। तुम पागल नहीं हो तो हो जाओगी। अगर इसी तरह जमाने की रवैये से अलग थलग होकर रहोगी तो सो जाओ। ध्यान, मैंने देखा है उसे। रामिया, तुम्हें मेरी तवज्जो चाहिए थी, सो मैंने तुम्हें दे दी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं टीवी के प्रोग्राम में
कभी फैंसी ना। मैंने ऐसा कब कहा है? अच्छा बाबा, तुमने ऐसा नहीं कहा। मुझे भी सोने दो और खुद भी सो दो। शाबाश, कोई नहीं है, आ जाओ बाबा, आ जाओ, कुछ नहीं है। सो जाओ और प्लीज अब मुझे ना। ये मोहम्मदी है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। ये वो मखलूक हैं जिन्हें जिंदगी के पर्दों ने तुमसे छुपा रखा था। मौत के बाद बहुत से पर्दे खुद बहुत उड़ जाते हैं। मौत? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये इन डॉक्टरों से मिली हुई है। हम जिंदा हैं। अभी तक तो जिंदा हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम दोनों कोमा में हो। जिंदगी और मौत के बीच हमारी मां की बीमारी का असर तुम पर भी।